नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी टेक्निकल एमपी चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने पैन कार्ड में करप्शन कैसे करेंगे, यानी कि आपका पैन कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ चेंज है, आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ है और आपका पैन कार्ड में कुछ है, तो आप अपने पैन कार्ड में कैसे अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप सही जानकारी देने वाला हूँ। आप घर बैठे आप अपने पैन कार्ड में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, आपको किधर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको बारीक से समझाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप से आपको ध्यान से वीडियो को देखना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना मोबाइल या तो आप अपना लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, अप्लाई ऑनलाइन पैन कार्ड NSDI, ये आपको सर्च करना है। नहीं तो मैं इसका लिंक अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस पेज तक आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन पैन अप्लीकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे ढूंढना है, तो यहाँ पे हमको न्यू पैन कार्ड का, उसके बाद यहाँ पे चेंज एंड करप्शन का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, यानी कि पैन कार्ड में कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं तो ये नीचे वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका ऊपर में आप जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में आपको यहाँ पे टाइप्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको श्री या तो श्रीमती जो भी आप अपना अनुसार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट नाम और यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड जो है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में बॉक्स के ऊपर में चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे यह कैप्चर को फिल करके सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर में क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको टोकन नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आपके ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो किधर भी लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म का ऊपर में आपको क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे में देखने के लिए मिल रहा है। इसका ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चार स्टेप्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप में जो है दोस्तों, यहाँ पे डिजिटली ऑथोराइज EKYC, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड से ले लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड में जो कि आप इमेज और सिग्नेचर आप ये सभी अपलोड कर सकते हैं खुद से। उसके बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है चौथा नंबर में अप्लाई डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पेन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसको ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे जो आपका जो फीस लगेगा इसके ऊपर आप जैसे यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ पे आपको जो भी कितना फीस है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, यानी कि आप अपना पैन कार्ड को घर मंगाना चाहते हैं तो फिजिकली तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, यानी कि आपका आधार कार्ड का जो भी यहाँ पे आपको चार अंक यहाँ पे आपको इंटर करना है, आपका जो भी आधार कार्ड का लास्ट में चार डिजिट का अंक होगा वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपके जो आधार कार्ड में फोटो है वही आप पैन कार्ड में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आपको यस करना है। यदि आप चाहते हैं कि पैन कार्ड का जो आपका फोटो है वही रहेगा तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो हम यहाँ पे चाहते हैं हमारा जो आधार कार्ड का फोटो है वो हमारे पैन कार्ड में भी सेव रहेगा, तो यहाँ पे यस कर देना। करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो भी आप एंट्री किए थे वहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन फिर से करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड के ऊपर में फादर नेम दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे आपका फादर नेम का फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, मिडिल नेम सब कुछ। उसके बाद यदि आप अपना मदर का यहाँ पे कराना चाहते हैं प्रिंट, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है चूज करने का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल किए हैं उसको यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, ताकि आपका नेटवर्क को कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन फिर से यहाँ पे करना है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे टेम्प्रोरली मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऊपर में क्लिक करना है।
नीचे में आपको यहाँ पे देखने के लिए नेक्स्ट का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो योर डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सेव यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिया गया है सभी यहाँ पे हमारा आधार कार्ड से ही लिया गया है। यहाँ पे आपको A to Z यहाँ पे सभी कुछ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ माई पैन कार्ड का ऊपर में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड आईडी यहाँ पे आप कॉपी का जो भी सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आपके पास में और कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में आपको यहाँ पे डिक्लिकेशन यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि नीचे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा, जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका नाम दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस नेम यहाँ पे लिखना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर में क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको अब यहाँ पे दोस्तों हमारे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे इंटर करना है। आधार कार्ड का फर्स्ट में 8 डिजिट यहाँ पे इंटर करना है फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जो कि यहाँ पे अपना जो भी अपना नाम है पैन कार्ड का ऊपर में वो यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में फोटो है वो आपका पैन कार्ड में वो इंटर करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे यस सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे यस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुड सर्विस यहाँ इसका तो छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप एक बार अच्छी तरह से पूरा चेक कर लीजिएगा, जो भी आप सेलेक्ट किए थे, जो भी आप नाम डेट ऑफ बर्थ एंटर किए थे, सब कुछ यहाँ पे सही है या नहीं है पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो कि आप अपना पैन कार्ड का प्रिंटर में यहाँ पे देख सकते हैं फादर का नाम, तो यहाँ पे वो भी सेलेक्ट यहाँ पे हुआ है, ओके। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे आपको सब कुछ में एक बार ध्यान से देख लेना है। ध्यान से देखने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने में यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, सभी आधार कार्ड से ही लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक करता है, जो कि आपको पता होगा पेमेंट डेबिट कार्ड भी दिया है, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन करना चाहता हूँ पेटीएम के द्वारा से, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री के ऊपर में क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर में क्लिक करना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं 106.90 पैसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे का जो है कैसे पेमेंट किया जाता है उसका प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हमारा प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का स्कैन यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो इसके जरिए से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना UPI आईडी यहाँ पे डाल के उसके बाद यहाँ पे का ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, आप अपना पेटीएम के द्वारा से। ये तो माध्यम से आपको मालूम ही होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो का बगल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना UID कोड यहाँ पे आपको एंटर करके उसके बाद यहाँ पे के ऊपर में क्लिक कर देना है। देन पे के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखा जाएगा। टाइमिंग के अनुसार आप अपने फ़ोन से पे कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। प्लीज़ वेट, यहाँ पे यहाँ मतलब आपको ये ऐप को यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, ऐसे रुकना है थोड़ा टाइम तक आपको वेट। देन आपका पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, टाइम और आपको कितना पे किया है सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऊपर में क्लिक करना है। देन कंटिन्यू के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टोकन नंबर, उसके बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड नाम, उसके बाद आप जो भी डेट ऑफ बर्थ चेंज किए हैं सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे ये बॉक्स का ऊपर में चेकआउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिक का ऊपर में क्लिक कर देना है। ऑथेंटिक के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लीकेशन, उसके बाद कंटिन्यू विथ eKYC, तो सिंपली इसका ऊपर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका टोकन नंबर फिर से दिखाया जाएगा और आपका नाम, उसके बाद आपका आधार कार्ड। तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट OTP का ऊपर में क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसका ऊपर में OTP जाएगा। तो मेरा यहाँ पे OTP आ गया है, OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। इसका ऊपर OTP फिल करने के बाद देन यहाँ पे सबमिट का ऊपर में क्लिक कर देना है। सबमिट का ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ ई साइनिंग यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो फिर से इसका ऊपर में आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू विथ ई साइनिंग। ई साइनिंग का ऊपर में आप जैसे ही क्लिक तो आपको एक अलग वेबसाइट के ऊपर में ले जाएगा, NSDL का जो वेबसाइट होता है वहाँ पे आपको ले दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नहीं तो आप वर्चुअल आईडी यहाँ पे डालना होगा। उसको आप कैसे आप अपना VID मतलब वर्चुअल आईडी आप कैसे निकाल सकते हैं, नीचे में उसका ऑप्शन भी दिया गया है कि आप कैसे निकालेंगे। उस लिंक के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको
निकालने का तरीका भी बता दिया जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर अपना वर्चुअल आईडी को यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, नहीं तो आधार कार्ड भी नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का ऊपर में क्लिक करना है। सेंड ओटीपी का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर रहेगा वहाँ पे आपका ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद ओटीपी को यहाँ पे सिंपली इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी का ऊपर में आपको क्लिक करना है। देन वेरीफाई का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे वहाँ पे आप पीडीएफ फाइल में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे पासवर्ड भी यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वही आपका यहाँ पे पासवर्ड रहेगा। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इसका पासवर्ड क्या है, तो आपका जो पेन कार्ड या तो फिर आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है। यानी कि आपका 1/1/2022 है तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, 01/01/2001 ऐसा आपको फिल करना है। देन आपको यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ पे ओके का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फॉर्म दिखा दिया जाएगा, आपका दो फोटो दिखाएगा। यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ में इसको डाउनलोड भी करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे फोटो यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है, जो कि हमारा ये आधार कार्ड में हमारा फोटो ये था। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आप चेंजेस किए हैं, क्या क्या बदलाव किए हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये फॉर्म में। उसके बाद दोस्तों आपका पैन कार्ड जो है आपके पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस दिए हैं उसी एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। मैक्सिमम आपको 20 दिन तक लगेगा आपके घर तक पहुंचने में, वो भी आपको कार्ड की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। ओरिजिनल पैन कार्ड जैसे आपको न्यू में बनाए थे सेम वैसा ही कार्ड बनके आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा है। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड में सुधार कर लेते हैं तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कुछ हेल्प मिला है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं कीजिएगा हमको कोई तकलीफ नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।